Morning, dear students. How are you? I'm fine. I hope you all are enjoying the weather. These days, rainy days हो रहे हैं ना? बारिश भी होती है, मौसम ठंडा होता है. Now it's your study time. I'm your English grammar teacher for classes 3rd and 4th. अब हम आपको आजकल ऐसे राइटिंग सिखाएंगे, ठीक है? ऐसे मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ लाइंस लिखनी होती हैं, चाहे वो 10 लाइंस हों, चाहे वो 15 लाइंस हों. पहला टॉपिक है माय फेवरेट टीचर. टीचर पे आपको कुछ लाइंस लिखने को हम सिखाएंगे. तो अब टीचर के बारे में, जैसे अब आपका तो रोल मॉडल होता है टीचर, है टीचर आपको बहुत पसंद करता है. घर में आपकी मम्मा होती है आपके लिए फेवरेट, और स्कूल में एक टीचर होती है जो आपको लुक आफ्टर करती है, आपकी केयर करती है, आपको अच्छी बातें सिखाती है. तो हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो नाउ ये हम आपको लिखवा रहे हैं. टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. एक टीचर जो होता है, अच्छा टीचर, हम लोगों की ज़िंदगी में, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या करता है. दे आर द मदर्स एट स्कूल. वो हमारी माँ जैसी होती हैं स्कूल में छोटे बच्चों की, सब टीचर्स की, सब बच्चों की, जैसे बड़े भी होते हैं बच्चे, उनकी टीचर्स जो होती हैं वो माँ जैसी होती हैं. अब यहाँ पर डैश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखें यहाँ पर. तो आप लिखेंगे मिसेस डैश इज़ माई फेवरेट टीचर. जैसे आप कुछ टीचर का नाम हो आप यहाँ लिख सकते हैं. शी इज़ माई इंग्लिश टीचर एंड ऑल्सो माई क्लास टीचर, ठीक है. फिर डैश इज़ हाईली एजुकेटेड. या तो आप लिख सकते, या तो उनका नाम लिखिए, मिसेस सुमन इज़ हाईली एजुकेटेड, या मिसेस हेमा इज़ हाईली एजुकेटेड, या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं. बार बार शी हर सेंटेंस में नहीं लिखना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है. जैसे आप उनका नाम से लिख सकते हो, सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यही तरीका होता है. शी हैज़ बीन टीचिंग इन आर स्कूल फ्रॉम 2 years. 2 साल से वो पढ़ा रही हैं. नाउ मिसेस टीचेस अस वेरी वेल एंड इज़ वेरी केयरिंग. तो मिसेस जो भी टीचर हैं, आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे यहाँ पर. टीचर इज़ वेरी वेल एंड शी इज़ वेरी केयरिंग. बहुत हमें प्यार से सिखाती हैं और हमारी केयर करती हैं. जैसे अब टीचर, जैसे आप स्कूल में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, या अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या आपको चोट लग गई है, तो टीचर स्कूल में देखभाल करती है. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल इन स्कूल. मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और पंक्चुअल हैं, मतलब स्कूल हमेशा टाइम से आती हैं. हर टीचिंग स्किल्स आर वेरी गुड. मतलब टीचिंग मेथड, स्किल्स मतलब उनका तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा है. शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज ऑफ हर फ्रेंडली बिहेवियर. मतलब वो बड़ी पॉपुलर हैं, पॉपुलर मतलब बहुत मशहूर हैं बच्चों में और बाकी टीचर्स में भी जो वर्क करती हैं, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, वो हर एक से घुल मिल के प्यार से बात करती हैं. शी इज़ वेरी पेशेंट, पोलाइट एंड अ काइंड लेडी. मतलब शी इज़ वेरी पेशेंट मतलब बहुत संयम से, बहुत शांत भाव से, और पोलाइट हैं, प्यार से बोलने वाली, और काइंड लेडी हैं, सबका भला करने वाली लेडी हैं. वी आर वेरी लकी टू हैव हर इन आवर स्कूल. तो या एंड आई रिस्पेक्ट एंड लव हर. आई रिस्पेक्ट एंड लव माई टीचर, ठीक है. उन्हें बहुत कुछ भी लगते हैं, उनकी पसंद क्या है, वो सही है. आप अपने मन से भी कुछ उस पर कुछ लाइन्स अलग से लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको लाइन्स बताई हैं वो आपको वही लिखनी, मेन आपको इम्पॉर्टेंट लाइन्स बताई हैं, और बाकी जो है आप उसमें 2-3 सेंटेंसेस और ऐड कर सकते हैं. जैसे शी लाइक्स टू वेयर साड़ी, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रूट्स, या शी लाइक्स एप्पल, हैं शी लाइक्स स्वीट्स. मतलब उनके बारे में अगर आप जो कुछ भी और जानते हैं तो आप लिख सकते हैं. शी लाइक्स, हर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, या ब्लू या रेड. ज़्यादातर आपने महसूस किया हो कि वो ज़्यादातर लाल कपड़े पहनती हैं या ब्लू पहनती हैं, तो यू कैन राइट दैट शी लाइक्स ब्लू कलर, शी लाइक्स रेड कलर, ठीक है.
उसमें आप कुछ और भी अपना ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी करेक्ट। ये फ्यू सेंटेंसेस मैंने आपको आपके टीचर के बारे में लिखा है, जिसमें कि आप उनके बारे में और कुछ जानना चाहें लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई मदर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, माई मदर। तो अब उस पर माई मदर पे इस पर सेंटेंसेज हैं, उसमें आप इसी तरीके से आप भी उसमें और कुछ जोड़ सकते हैं। माई मदर इज़ वेरी प्रेशियस टू मी एंड अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मतलब माई मदर जो हैं बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं। प्रेशियस मतलब कीमती हैं मेरे लिए, एंड शी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। कहते नहीं है कि जो बहुत आप लकी हैं कि आपको आपके माँ है आपके पास, जिनकी माँ नहीं होती है, या जिनकी भगवान की उससे छोटे छोटे पद में अगर बच्चे को माँ नहीं मिलती है तो उसकी ज़िंदगी बहुत दुखी वाली होती है। तो माँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है गॉड की, हम लोग को सबको। अ मदर इज़ अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस एनी थिंग फॉर अस। इसमें यह है कि मदर जो है वो एक ऐसी इंसान है जो कि वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है, सब त्याग करती है हमारे लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। शी लव्स हर चिल्ड्रेन नो मैटर वॉट एवर दे डू। मतलब वो अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है, अगर बच्चे अच्छे हो या शैतान हो या गंदी बात भी कर देते हैं कभी कभी बच्चे, लेकिन वो माँ जो है अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है और उन्हें बचाती है हर चीज़ से। माई मदर्स नेम इज़ मिसिस। तो यहाँ डैश हमने इसलिए लिखा है कि आप लिखेंगे कि माई मदर्स नेम इज़, जो आपका नाम मदर का नाम हो, मिसेस कमला देवी या मिसेस रेनू, मिसेस रीमा, कुछ भी। शी इज़ टॉल एंड ब्यूटिफुल, आप लिख सकते हो शी इज़ टॉल एंड ब्यूटिफुल। फिर आप लिख सकते हो कि शी लाइक्स टू वेयर साड़ी और सलवार सूट। मैंने ये डैश लगा के ये लाइन बना के लिखा है कि या तो सलवार सूट पहनती है मम्मी आपकी पसंद करती है, या साड़ी। शी इज़ अ हाउस वाइफ या टीचर। अब इसमें अगर नौकरी करती है तो आप वो लिख दीजिए, अगर मैम आपकी मम्मी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं तो लिखिए, खाली हाउस वाइफ लिखना पड़ेगा आपको। हाउस वाइफ और टीचर एक साथ नहीं लिखना है, दोनों में से एक चीज़ लिखना है। सिमिलरली साड़ी और सलवार सूट में एक चीज़ लिखनी है, दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं पहनेगी ना वो। या फिर दोनों चीज़ पसंद करती है तो आप ये लिख सकते हो, शी लाइक्स टू वेयर साड़ी एंड सलवार सूट। माई मदर टीचेज अस गुड हैबिट्स एंड मॉरल वैल्यूज़। हमारी माँ क्या करती है, हमें अच्छी बातें सिखाती है और मॉरल वैल्यूज़ सिखाती है। व्हेन आई कम फ्रॉम स्कूल शी सर्व्स मी माई फेवरेट फूड। वो मेरा फेवरेट फूड हमको सर्व करती है जब मैं स्कूल से आता हूँ, सर्व कर देती है खाने को। शी टेक्स केयर ऑफ एवरी वन इन द फैमिली। वो फैमिली में सबके देखभाल करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं। माई मदर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। माई मदर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। शी इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। आई लव हर सो मच। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मदर के ऊपर आप ऐसे याद करेंगे और आपको लिखना होगा।